हेलो स्टूडेंट्स, आज का नया वीडियो है हमारा BCY CT 131 पर। इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फॉर एग्ज़ाम के लिए। अब स्टूडेंट्स के मन में हर स्टूडेंट चाहता है कि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए या कुछ आइडिया मिल जाए एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं मुस्कान हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं या नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए तो आप मुझे पहले तो कमेंट में बता दीजिए। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और काफ़ी इजी भी होने वाली है, जिससे मैं इजी में आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये जो हमारा कोड है BGY CT 131, इसमें जो भी हमारा पहला है भू विज्ञान के बारे में, जियोलॉजी के बारे में है। पूरा जितना भी आपको इसमें यूनिट्स दिए गए हैं तो इसी मेन भौतिक और भू विज्ञान के ऊपर है, ठीक है। तो अब पहले जियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। देन इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी हम बारहवें पढ़े क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है यानी जो हमारा सिलेबस है उसको थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इस हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या हमें बताया गया है और हमें क्या क्या चीज़ें जो याद करनी चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हम अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यह भौतिक भू विज्ञान के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको भू विज्ञान यानी जियोलॉजी के बारे में बताया गया है। इसमें जितने पॉइंट है जैसे खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू रसायन, भू भौतिक, जो भी है ये आपको ये पॉइंट है आपको अच्छे से इसके ये सेपरेट पॉइंट है। इसके बाद में इसी मतलब कॉन्सेप्ट मतलब डिटेल में आपको समझना होगा। फिर संरचनात्मक भूविज्ञान, प्लेट पिवर्तनिकी, संरचनात्मक भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इन सबके बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना तो समझ आ गया कि जो भी हमारी चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, वो मेन किस पर है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इन्हीं सिलेबस से बनकर बने हैं और जो नेक्स्ट ईयर सॉरी जो पिछले बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले बार भी आए थे और इस बार भी आने की हाँ संभावना है कि आ सकते हैं। तो यहाँ इन जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ आप इजीली आपको समझ लेना, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, घूम घूम के आते हैं। तो ये लास्ट ईयर जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो सभी को हमने इंक्लूड किया है और जो सिलेबस से पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्पज़ से आपसे बना है वो आज की जो इस वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए अब बिना देरी करे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूविज्ञानी पृथ्वी का अध्ययन कैसे करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो भी आंसर आपका बना है जो इजी में मतलब जो होता है एक सरल भाषा उसी का यूज़ करके हमने लिखा है जिससे आप इजीली याद कर सकें और समझ सकें। कई बार होता है स्टूडेंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं या कुछ भी हमें याद करने के लिए हमें मटेरियल मिल जाता है तो उसमें जो हमारी भाषा होती है ना लैंग्वेज वो ईजी होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम भी कम नहीं होता है और फिर याद करना समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी आपको लिख के दिया है, जो समझाया गया है, बहुत ही सरल है जिससे आप याद कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ जितने भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको इजी में जितने भी क्वेश्चन सभी के आंसर आपको दिए हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर PDF यानी कि जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो आप चाहते हैं परचेज करना तो आप मुझे या फिर हमारा जो नंबर है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर जो है हमारा वो है 8813020892 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। जो भी है आपका मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप चाहते यही ऐसा है ये जो बारह क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ आप सब कॉपी में लेना तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं नोट्स को लेना, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट सोचता है कि मेरे पास अभी एग्ज़ाम की टाइम है, काफ़ी दूर है मेरा एग्ज़ाम जो होने वाला है तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर लूँ, नोट्स ले लूँ, बुक्स रीड कर लूँ, जिससे मैं अपने जब मेरा एग्ज़ाम हो तो मैं आराम से ईजिली एग्ज़ाम दे सकूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप हमारे नोट्स लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गए हमारे नोट्स। हमारा नोट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिससे
हर बार मतलब जितने जब भी एग्ज़ाम होते हैं इजीली उससे ही वो पढ़कर वो एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स को लेना तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट्स है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इजीली मैं और सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अच्छे समझा दूँगी। एंड अभी आपको जैसे अभी मैंने आपको BGYCT का दिखाया है 131, अगर आपको ऐसे और भी कोड पे चाहिए तो आप मुझे बता दो, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होती है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए जानने के लिए बाइडली सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं नोट्स को लेना या फिर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना, गेस्ट पेपर लेना, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है आपको स्क्रीन पे पहले भी बता चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ कि इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मुस्कान है, आपके लिए मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाती रहती हूँ। जो भी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कुछ भी डाउट्स, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपको यहाँ जो मैंने आपको समझाया है वो स्क्रीन पे क्लियर नहीं है तो आप हमें बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कोड पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मैं मुस्कान ऐसे ही और भी वीडियोस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और ऐसे ही हमारी इंटरेस्टेड वीडियोज़ देखती रहिए।